जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो में देखा था चंपारण सत्याग्रह, जो भारत में प्रथम गांधी जी के द्वारा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में देखा था अहमदाबाद मील हड़ताल, जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल था। आज हम देखेंगे गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह ये क्या है। खेड़ा सत्याग्रह, वहाँ खेड़ा के किसानों का एक मुद्दा था, जो कर को लेकर के खेड़ा में जो 1918 के समय में अकाल पड़ गया था, जो उनके फसल नष्ट हो गए थे, फिर भी वहाँ की सरकार किसानों के कर में कोई छूट नहीं दिया, कर वसूलती रही। इसी से किसान आंदोलनकारी बन गए और इसमें किस प्रकार से गांधी जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके बारे में हम देखते हैं। 1918 में अकाल पड़ने के कारण, अकाल पड़ने से किसानों का फसल नष्ट हो चुका था। फिर भी वहाँ की जो सरकार थी किसानों से कर या राजस्व वसूलने पर अड़ी थी और वसूल रही थी। इसमें राजस्व संहिता के अनुसार, राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल फसल के एक चौथाई भाग से अधिक नष्ट हो जाता है तो कर माफ कर दिया जाएगा। यानी कि राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल फसल के 1/4 भाग या 1/4 भाग से अधिक नष्ट हो जाता है तो कर माफ कर दिया जाएगा। परंतु वहाँ की सरकार किसानों से दमनकारी रूप से कर वसूलती रही और किसान विद्रोही बन गए या फिर आंदोलनकारी बन गए। गुजरात सभा का जो गठन था 1884 में, जो एक किसानों की सभा था, किसान सभा कहा जा सकता है इसको, जो 1884 में बनाया गया था, ये भी सभा वहाँ के प्राधिकारियों तक याचिका दायर किया, पर वहाँ के जो अधिकारी थे वो कर वसूलने पर अड़े रहे, अपने दमनकारी नीतियों का दबाव डालकर कर वसूलते रहे। जो किसान कर अदा नहीं कर पाते थे उनके संपत्ति को भी जब्त कर लेते थे। गांधी जी ने किसानों को वहाँ खेड़ा के गांधी जी ने किसानों से कर अदा न करने व सरकार के दमनकारी कानून
के खिलाफ खिलाफ आंदोलन 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 करने के लिए उत्तेजित किया और वहाँ के युवा अधिवक्ता जिसमें युवा अधिवक्ता में युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल इंदुलाल याज्ञिक व अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा गांव में जाकर किसानों से कर अदा न करने के लिए शपथ दिलाया व सत्याग्रह असहयोग के समर्थन से गांधी जी ने वहाँ के किसानों से यानी कि कहा जाए गांधी जी ने खेड़ा के किसानों से कर अदा न करने व सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ आंदोलन किया। वहाँ के खेड़ा के युवा अधिवक्ता जिनमें वल्लभ भाई पटेल इंदुलाल याज्ञिक व अन्य युवाओं ने मिलकर गांधी जी के साथ खेड़ा के गाँव में जा करके किसानों से कर अदा न करने के लिए शपथ दिलाया व शपथ दिलाया। गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर माफ कर देती है तो जो सक्षम किसान हैं, जो कर अदा करसान हैं, स्वेच्छा से अपना कर अदा कर देंगे, पर दमनकारी नीतियों के अनुसार वहाँ पे जो सरकार थी उनसे कर वसूलते रहे और उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया। कई स्थानों पर किसानों के मवेशियों को भी जब्त कर लिया। इसी प्रकार से वहाँ के किसान आंदोलन करते रहे और अंततः सरकार किसानों से समझौता किया और उनके कर को माफ़ किया और आगामी कर में भी कुछ कमी की। इस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा तीसरा जो खेड़ा सत्याग्रह या प्रथम असहयोग आंदोलन था वो सफल रहा। खेड़ा के जो युवा किसान थे उनमें एक उत्साह भी आया और वे खेड़ा आंदोलन ने किसानों को जागरूक किया और इस प्रकार से वहाँ के किसानों ने ये जागरूकता अपने अंदर लाई कि जब तक संपूर्ण तरह से हमारा देश आज़ाद नहीं होता है तब तक इस प्रकार के कुचक्र नीतियों या दमनकारी नीतियों से किसान या भारत के लोग दबे रहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा प्रथम असहयोग आंदोलन था ये भी सफल रहा। इसके बाद हम अगले वीडियो में रोलेट एक्ट को लेकर के आएंगे। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।